वेलकम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 3 पतंग और गुब्बारे का अभ्यास कार्य करेंगे, जो हमारी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक है। आज हम उसमें अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 26 आपको हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक का निकाल कर रखना है और साथ में एक पेंसिल भी लेकर बैठना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम पार्ट 3 पतंग और गुब्बारे का अभ्यास कार्य करते हैं। पेज नंबर 26 किया बच्चों आपने सभी ने ओपन। इसमें प्रश्न नंबर 2 दिया है, किसने कहा, क्यों कहा। टेक्स्ट बुक में दिया है ना बच्चों, किसने कहा, क्यों कहा। इसका आंसर आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में ही इसका उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न क दिया है, कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर क्या दिया है, इस वाक्य को किसने कहा और क्यों कहा। तो इसका उत्तर हमें टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम इसका आंसर लिखते हैं। इस वाक्य को लिखिए बच्चों, इस वाक्य को पतंग ने गुब्बारे से कहा। इस वाक्य को पतंग ने गुब्बारे से कहा। क्यों कहा, क्योंकि मांझे की धार बहुत तेज होती है। क्योंकि मांझे की धार बहुत तेज होती है। धार मैंने बताया था ना, तेज धार। मांझा यानी कांच के महीन टुकड़े को पीसकर धागे पर लगाया जाता है। गोंद की सहायता से उसमें मिलाकर धागे पर लगाया जाता है, जिससे धागे की धार जो है वो तेज हो जाती है। हो गया बच्चों लिख के सबका, कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। इसका उत्तर हमने लिखा, इस वाक्य को पतंग ने गुब्बारे से कहा। क्योंकि मांझे की धार बहुत तेज होती है। हो गया बच्चों सबका लिख के। अभी हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हम दोनों का उद्देश्य बच्चों को खुश रखना है। यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे टेक्स्ट बुक में बच्चों। यह वाक्य किसने कहा और क्यों कहा। हम दोनों का उद्देश्य बच्चों को खुश रखना है। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों हम, यह वाक्य गुब्बारे ने पतंग से कहा। यह वाक्य गुब्बारे ने पतंग से कहा। क्यों कहा, क्योंकि रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। यह वाक्य गुब्बारे ने पतंग से कहा, क्योंकि
रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे गोल मटोल गुब्बारे को बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। हो गया बच्चों सबका लिख के? अभी आगे का प्रश्न देखें। चलिए अभी हम टेक्स्ट बुक का आगे का प्रश्न देखते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, प्रत्येक पंक्ति में बेमेल शब्द पर गोला लगाइए। प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति यानी लाइन, बेमेल यानी जो उनसे मैच नहीं हो रहा है, अलग जो शब्द है उस पर हमें उस शब्द पर गोला लगाना है। गोला मतलब सर्कल करना है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, पहला दिया है आसमान, गगन, रवि, नभ, आकाश। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, आसमान की जो पंक्ति है, लाइन है, इसमें जो शब्द उनसे अलग हटके है, उनसे मैच नहीं हो रहा है, उस पर हमें सर्कल करना है। तो आसमान का दिया है गगन, गगन यानी आसमान, रवि यानी सूर्य, नभ यानी आकाश या आसमान। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, रवि जो है वो इन पंक्ति में मेल नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, रवि को सर्कल किया, गोला लगाया। तो इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में इस तरह से सर्कल करना है। अभी दूसरा देखिए, हवा, पवन, समीर, चंचला, वायु। हवा, पवन, समीर, चंचला, वायु। तो यहाँ पे बेमेल शब्द कौन सा हुआ बच्चों? चंचला। तो हमने चंचला पे सर्कल किया, गोल का निशान लगाया। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही रवि और चंचला को गोल का निशान लगाना है, यानी कि सर्कल करना है। अभी आगे देखते हैं, पानी का दिया है वारी, नीर, जल, मेघ। पानी का वारी यानी पानी, नीर यानी पानी, जल यानी पानी, मेघ का क्या दिया है, मेघ यानी बादल। तो ये शब्द अलग है, इसलिए हमने इस पर सर्कल किया। आगे देखते हैं, जमीन का दिया है भूमि, दामिनी, धरती, पृथ्वी। भूमि, दामिनी, धरती, पृथ्वी। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, दामिनी। तो दामिनी जो शब्द है वो अलग हटके है, इसलिए हमने इस पर सर्कल किया। तो पानी का हमने क्या किया उधर, मेघ, और जमीन का क्या किया, दामिनी। हो गया बच्चों सबका? तो चलिए बच्चों अभी हम आगे का प्रश्न करते हैं। अभी पेज नंबर 27, हिंदी अविरल का पेज नंबर 27, उसमें दिया है प्रश्न नंबर 2। दिए गए शब्दों के सही विलोम पर सही लगाइए। सही का निशान हमें लगाना है। विलोम यानी जो अपवाद शब्द दिए हैं उसका हम उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे दिया है बच्चों हार। तो हार का क्या आएगा यहाँ पे, विलोम यानी अपोजिट शब्द। हार का दिया है हरा, जीत, हारना। हरा, जीत, हारना। तो यहाँ पे हार का विलोम क्या आएगा बच्चों, हार, जीत। तो जीत पर हमने सही का निशान लगाया। हार का क्या आया, जीत।
दूसरा दिया है जमीन, आसमान, असमान, धरती। तो जमीन का विलोम शब्द क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? आसमान। तो हमने आसमान पर सही का निशान लगाया। तो हार का क्या हुआ? जी। जमीन का क्या हुआ? आसमान। तो इस तरह से हमें विलोम शब्द पर सही का निशान लगाना है। हो गया बच्चों, आगे बढ़ें। अभी आगे दिया है विश्वास का हमें विलोम शब्द उसमें से चुनना है और जो सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। विश्वास का दिया है भरोसा, वास, अविश्वास। क्या आएगा बच्चों विश्वास का यहाँ पे? भरोसा, वास, अविश्वास। तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? अविश्वास। तो हमने अविश्वास पर सही का निशान लगाया। आगे देखते हैं समान, सामान, असमान, बराबर। यहाँ पे समान का विरोधी शब्द क्या आएगा? समान, सामान, असमान, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? असमान। समान, असमान। यहाँ पे बच्चों देखिए समान यानी बराबर इसका समानार्थी शब्द दिया और असमान इसका विरोधी शब्द दिया है। और सामान, सामान यानी बोझा, जो हम वेट वजन करते हैं उसको बोलते हैं सामान। ठीक है, तो समान का असमान यहाँ पर विरोधी शब्द आया, इसलिए हमने असमान पर सही का निशान लगाया। आगे देखिए दिया है हल्की, भारी, ऊपर, अधिक। तो यहाँ पे बच्चों हल्की का विरोधी शब्द क्या आएगा? हल्की, भारी। तो हमने भारी पर सही का निशान लगाया। तो यहाँ पे विश्वास का अविश्वास, समान का असमान, हल्की का भारी। इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में सही का निशान लगाना है। तो चलिए बच्चों अभी हम आगे का प्रश्न नंबर 3 करते हैं। सही शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे बच्चों देखिए सही शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन दिए हैं, दो शब्द दिए हैं, उसमें से जो सही शब्द है उसको हमें चुनकर जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पे दिया है एक रंग बिरंगी आसमान में ऊंची उड़ रही थी। एक रंग बिरंगी आसमान में ऊंची उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी? गुब्बारा या पतंग? क्या उड़ रही थी? पतंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, उत्तर क्या आया? पतंग। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पतंग आंसर लिखेंगे। जहाँ पर हमें जगह दी गई है उस पर हमें आंसर लिखना है पतंग। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं। पानी से चीज पानी में तैरने लगती है। पानी से चीज पानी में तैरने लगती है। क्या लगती है, हल्की या भारी? पानी में क्या चीज तैरती है? हल्की। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आएगा? हल्की। और यहाँ पे इसका आंसर हम लिखेंगे हल्की। जहाँ पे खाली जगह दी है ना वहाँ पे उसका आंसर आपको उत्तर लिखना है हल्की। तो पहले का क्या आया बच्चों? पतंग। और दूसरे का क्या आया? हल्की। तो इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में आंसर लिखने हैं। आगे देखते हैं
मेरे भीतर भरी ऐश चारों ओर की हवा से हल्की है। मेरे भीतर भरी डैश चारों ओर की हवा से हल्की है। क्या हल्की है? हवा या गैस? क्या आएगा यहाँ पे उत्तर बच्चों? गैस। तो यहाँ पर जो डैश दिया है वहाँ पर हमें उसका आंसर लिखना है, गैस। मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है। लिखा बच्चों सबने? आगे घ देखते हैं। हवा में हल्के और भारी दबाव के डैश क्षेत्र बन जाते हैं। हवा में हल्के और भारी दबाव के क्षेत्र बन जाते हैं। दो या तीन? कितने बन जाते हैं बच्चों? दो। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे, दो। तो पहले में क्या आया? गैस। और दूसरे में क्या आया बच्चों? दो। तो इस तरह से हमें आज हमने टेक्स्ट बुक हिंदी अविरल की टेक्स्ट बुक में अभ्यास कार्य किए। बाकी बचे हुए अभ्यास कार्य को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक ये बुक में आपके बुक में ये अभ्यास कार्य आप कर लें। धन्यवाद।